नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मुकेश राव। रुक करते हैं खबरों की तरफ। खबर यूपी के चंदौली जनपद से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया गया। सपा के राष्ट्रीय सचिव सैयद राजा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू के नेतृत्व में मुलायम सिंह यादव का 82वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। साथ में कार्यकर्ताओं को केक खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। जनसभा कर कार्यकर्ता में जोश भरा और गरीब परिवार के लोगों को कंबल वितरण किया गया। वहीं इस मौके पर सपा राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू ने धानापुर शहीद स्मारक परिसर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नेताजी पूरे प्रदेश में और देश में एक ऐसे नेता हैं जिनका सपना है कि हमेशा दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित प्रथम पंक्ति में आए और बराबरी का दर्जा मिले। आज निरंतर समाजवादी पार्टी उनके दिशा निर्देशों पर, उनके बताए हुए मार्ग पर हम समाजवादी निरंतर बढ़ रहे हैं और नेताजी के जन्मदिन पर हम सारे जनपदवासियों की तरफ ढेर सारी शुभकामनाएं नेताजी को देता हूं कि नेताजी आपका आशीर्वाद ऐसे ही दलित, शोषित, वंचित लोगों पर बना रहे और हम लोगों को हमेशा ही अपना मार्गदर्शन देते रहें। जन्मदिन के अवसर पर गरीब लोगों को ठंड के मौसम में कंबल वितरण किया गया। वहीं शिवपाल यादव के पार्टी के मुलायम सिंह के जन्मदिन पर सपा में विलय के सवाल पर सपा राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू ने कहा, माननीय चाचा शिवपाल जी बिल्कुल हम लोगों के साथ हैं और साथ रहेंगे। बहुत जल्द ही आपको अच्छी खबर सुनने को भी मिलेगी। किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं नेताजी के जन्मदिन? देखिए, आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी नेताजी का जन्मदिन है और जन्मदिन पे हम लोगों ने केक काटा और गरीब असहाय बुजुर्गों को हम लोग कम्बल वितरण करने का काम किया है और इसी के माध्यम से हम लोग नेताजी का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप राष्ट्रीय सचिव भी हैं पार्टी के, चर्चा ये थी कि शिवपाल यादव की पार्टी और समाजवादी पार्टी में आज विलय हो जाएगा, क्या खबर है लखनऊ से और सैफई से? देखिए माननीय चाचा शिवपाल जी बिल्कुल हम लोगों के साथ हैं और साथ रहेंगे। बहुत जल्दी आपको खबर सुनने में मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।